ये इतना टेंशन के बीच ना एक गुड न्यूज मिल गया, पूरा माइंड रिफ्रेश हो गया। मम्मी को, इसके मम्मी को ना मन था कि अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए करके, क्योंकि उसके सामने मेरा, इसका, सारे लोगों का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसका भी एक विश था, उसका भी एक मन था कि मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट करो करके, होना चाहिए करके उसका विश था। पर उसमें क्या हो रहा था, हमको ना एग्जैक्ट डेट पता नहीं था। उसका सारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ ईयर है, इलेक्शन कार्ड में, आधार कार्ड में सिर्फ ईयर है, तो कौन से मंथ और कौन से डेट में करेंगे ये कन्फ्यूज था। तो सरिता को मैं बोला था अगले साल देखेंगे, जनवरी में कभी भी करेंगे करके। पर लकीली हम लोग वो सर्च करते करते एक पेपर मिला, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला, जो कि उसके बिफोर मैरिज का डॉक्यूमेंट है मेरे ख्याल से, या फिर मैरिज टाइम का, उस टाइम का डॉक्यूमेंट में उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ था। तो और लकीली ये जो डेट ऑफ बर्थ निकला ना, ये महीने में अगले दो तीन दिन में, इसलिए हम लोगों ने पूरा सारे जो हमारा टेंशन वाला जो प्लान था ये सारे कैंसिल किया, उसको होल्ड पे रखा। अभी पहले मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का पूरा प्लान, सरिता को बोला जो टेंशन है वो साइड में रखो, दो तीन दिन बाद देखेंगे, चल पहले मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जितना भी रिलेटिव जो जो लोगों को जो जो लोगों को बुलाना है, मम्मी का मन में जिन लोगों को भी बुलाना है सारे लोगों को बुलाएंगे और मम्मी का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हमारे घर पे ही करेंगे, हमारे घर पे, यहाँ पे ये घर पे होगा सेलिब्रेशन। हम लोग स्पेशल आए हैं मम्मी को एक गिफ्ट लेने। मम्मी का ना बहुत मतलब विश था, मतलब उसको कुछ तो एक गोल्ड चाहिए था, और मैं स्पेशल उसके बर्थडे के दिन ही दूंगी उसको। दो ज्वेलरी शॉप है, कौन से इसमें जाएंगे बोल? अंबिका, इसमें TNS में जाएंगे या अंबिका में? पहले अंबिका में। यस गाइस, फाइनली हम लोगों ने ले लिया है ये, है ना, इसके अंदर जो है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ना सुबह सुबह हम लोग 7 बजे उठ गए। एक्चुअली मैं ऐसे ही 8-9 बजे उठता हूँ, आज जल्दी इसलिए उठना पड़े, बहुत सारे काम पेंडिंग हुआ था इन दिनों, हम लोगों का काम करने का टाइम और मूड भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से काम हम लोगों ने पेंडिंग रखा हुआ था। शंकर अभी भी सोया है बाहर, तो हम लोग उठ गए। मुझे कुछ वीडियो अपलोड करना था और कुछ एडिटिंग है उसको फाइनलाइज करना था, इसलिए सीधा उठा, ब्रश किया और डायरेक्ट यहाँ पे हमारे एडिटिंग टेबल में आके बैठे हैं। सरिता को अभी मैं ड्रॉप डाला, उसको ड्रॉप डालना रहता है ना, डॉक्टर से हम लोगों ने ड्रॉप लाया, ये डाला, आँख बंद करके रुकी। कितने बार डालने को बोला था डॉक्टर ने? एक दिन में चार बार डालना है। एक्चुअली कल हम लोग भूल ही गए, क्योंकि कल बारिश हो रहा था और हम लोग इधर उधर भाग रहे थे ना, और रात को भी आके डालने के लिए भूल गए, ये प्रॉब्लम है। तो ये है हम लोगों का अभी का सिचुएशन। बैक कैमरा बहुत सारे चीज़ें चल रही है जो कि आप लोगों को अभी नहीं दिखा पा रहे, बाद में हो सके तो आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोगों का ऐसे ही चल रहा है, पूरा बिजी चल रहा है, इधर उधर भाग दौड़ चल रहा है, और ऊपर से गोवा में रेड अलर्ट भी जारी है, उसके बीच में हम लोग भाग रहे हैं। मुझे भी ठंडी पकड़ा है, इसको भी ठंडी पकड़ा है, तो सारे फिर भी न्यू एनर्जी के साथ न्यू मॉर्निंग में आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलो शुरू कर दिया है ब्लॉग, क्या होगा आगे पता नहीं, अब बने रहो। यस गाइस, तो यहाँ पे ना वीडियो मेरा अपलोड हो गया, अभी शंकर उठ के फ्रेश होके आ गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, वो अपना एडिट करेगा, मैं चलता हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट का इंतजाम करते, सरिता कर रही होगी क्या आज बन रहा है ब्रेकफास्ट में, आपको दिखाता हूँ। आज ना हमारे घर पे बन रहा है फो, पोहा बोलते है ना हिंदी में, पोहा बोलते है। ये जैगरी, ये कोथमीर और अनियन वगैरह रेडी करके रखी है। शंकर अपना काम स्टार्ट कर दिया है, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, और हमको बाहर काम है। दो तीन दिन से रेड अलर्ट है, इसके वजह से पूरा दवा के बारिश हो रहा है। चलो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, सरिता को बनाने दो, हम अपना काम करते हैं, और उसके बाद बाहर का क्या सीन है बाद में आपको बताते हैं। ये रेड अलर्ट के साथ बाहर आज जाएंगे हम घूमने के लिए। सरिता जो बोली ना रेडीमेड पोहा, उसका स्टोरी क्या है आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा रहेगा, स्विगी इंस्टामार्ट से उसने एक रेडीमेड पोहा ऑर्डर किया था, हम लोगों ने पैकेट वाला हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसका टेस्ट खतरनाक था। शंकर कैसा था? डेंजर था। सेम पोहा ऑर्डर किया था, आज सरिता ने बनाया है अपने हाथ से घर का होममेड पोहा। आप देखो ये हमारा होममेड पोहा, इसमें क्या क्या डाला है वो बता रहे हैं। ये सारे मुझे दिख रहा है ड्राई फ्रूट्स कुछ है, ड्राई फ्रूट्स ही डाला है, केजुनट ही डाला, किशमिश ही डाला, ओके, पीनट ही डाला। तो पीनट, केजुनट, किशमिश सारे डाल के ड्राई फ्रूट के साथ बनाया है, टेस्ट मस्त लग रहा है। क्या लग रहा है टेस्ट? अच्छा लग रहा है। वो इंस्टामार्ट वाला तो मतलब पैकेट वाला पोहा ना अच्छा नहीं लगता ना, उसमें मीठा रहता है, कुछ नहीं रहता है, स्वीटलेस होता है। तो अभी हम लोग ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद शंकर अपना काम करेगा, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बारिश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो अभी थोड़ा क्लियर वेदर है, इस मौके में हम लोग निकलेंगे, हमारा काम करके आएंगे। मैं कैमरा लेके आया ना, ये देखो दाल छुपा के रख रही थी, आज है थर्सडे, तो पूरा प्योर वेज बन रहा है। क्यों?
बाजी, चिटकी मिटकी का बाजी बन रहा है। और आज हमको दाल खाने को मिलेगा, जहाँ पे जाना था ना वहाँ पे जिनसे मिलना था वो नहीं है, अभी बाहर गए हुए हैं, तो हमको बाद में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा लंच करते हैं और उसके बाद शाम को देखेंगे, वो रहेंगे तो उनको कॉल करके जाना पड़ेगा, करेंगे सारे तो। चीज़ें चल रहा है, ब्लॉग तो स्टार्ट किया तो ख़त्म करना है, तो ब्लॉग तो बनेगा। नानू किधर सोया है? अस्तल है। चलो कोई पोया मसा, हम लोग ना मिकू को ढूंढेंगे थोड़ा, रुको क्या कर रहे दिखाते आपको। अरे अरे ये इधर सोई है, ओके इसके दूसरे बेड पे। नानू ताता केला ले मजा नानू, तेन लाइट पिन की जगह ला रहा है आपला फुल। ओके लाइट बंद कर रहा, लाइट बंद केला पाए नानू, आता पाए बच्चा लाइट ऑफ केली, लाइट ऑफ केला रे मिकू, मिकू मशे पॉइंट ओपन करून डोळे सोया नहीं है इतले तुका येता आता तोड लाग मारना खातक ते का खबर आता कॅमेरा ऑन आहा आणि लाइट ऑन आहा म्हणून। नानू इतना भाव खाती, ये देख रही थी जैसे उसके ऊपर कैमरा डाला ना तो वो पूरा ऐसे सो के दिखा रही है जैसे कि मैं सोया हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, इतना चापटा रही है। देखो कैसे कर रही है, देखा दिखा दिखा बुला को मिको आहा को तो जागे ना जागो ना ले तू। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के रेडी, हम लोग ऐसे ही रुकेंगे, रेडी होके ही रुकेंगे, देखेंगे अगर उनका कॉल आया तो फिर जाएंगे ना। तो एक काम कर, मैं थोड़ा शंकर के साथ बैठ के एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तू तेरा काम करो। बारिश हो रहा है ना, बाहर भी किधर जाने को, कुछ अलग ब्लॉग बनाना वो बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत कंटिन्यू बारिश हो रहा है। क्या चल रहा है शंकर, हो गया एडिट? हाँ ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा बस चेक कर रहा। अच्छा अच्छा, तो इसका भी एडिटिंग हो गया, मैं एक दो वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, बने रहो। क्या सीन हो रहा है आपको बताएंगे बाद में। क्या चल रहा है इसका, देखो पूरा बैग ये साइड में, कैरी बैग हेलमेट वगैरह लेके रुके। अभी ना हम लोग निकले हैं पेन जिम के लिए, बताते क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात आपको बोलना है। जैसे कि आप लोगों को पता है इन दिनों हमारा टेंशन चल रहा था। एक्चुअली क्या हुआ, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा था ना ये होल्ड पे है, जिसकी वजह से थोड़ा टेंशन चल रहा था। हम कल बैठ के सरिता के डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह चेक कर रहे थे, इसके नाम पे सारी चीज़ें हो रहा है ना, तो फाइल चेक कर रहे थे, उसमें ना एक सरप्राइज़ हमको मिला और ये इतना टेंशन के बीच ना एक गुड न्यूज़ मिल गया, पूरा माइंड रिफ्रेश हो गया। तो इसलिए जो हमारा जो टेंशन था ना उसको हम लोगों ने होल्ड पे किया है और अलग प्लान लेके जा रहे हैं। ये प्लान आपको थोड़ा बताया था, एक्चुअली क्या है उस डॉक्यूमेंट में ना, हम लोग जब सर्च करते सरिता के डॉक्यूमेंट सारे देख रहे थे ना, उस फाइल में ना एक पेपर मिला जिसमें इसके आई का ना डेट ऑफ बर्थ फुल लिखा हुआ मिला। एक्चुअली क्या था, मम्मी को, इसके मम्मी को ना मन था कि अपना भी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए करके, क्योंकि उसके सामने मेरा इसका सारे लोगों का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, भाई दीदी जीजू सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसका भी एक विश था, उसका भी एक मन था कि मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट करो करके, होना चाहिए करके उसका विश था। पर उसमें क्या हो रहा था, हमको ना एग्जैक्ट डेट पता नहीं था, उसका सारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ ईयर है, इलेक्शन कार्ड में आधार कार्ड में सिर्फ ईयर है, तो कौन से मंथ और कौन से डेट में करेंगे ये कंफ्यूज था। तो सरिता को मैं बोला था अगले साल देखेंगे जनवरी में कभी भी करेंगे करके, पर लकीली हम लोग वो सर्च करते करते एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला जो कि उसके बिफोर मैरिज का डॉक्यूमेंट है मेरे ख्याल से, या फिर मैरिज टाइम का, उस टाइम का डॉक्यूमेंट में उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ था। तो और लकीली ये जो डेट ऑफ बर्थ निकला ना ये महीने में, अगले दो तीन दिन में, इसलिए हम लोगों ने पूरा सारे जो हमारा टेंशन वाला जो प्लान था ये सारे कैंसिल किया, उसको होल्ड पे रखा। अभी पहले मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का पूरा प्लान, सरिता को बोला जो टेंशन है वो साइड में रखो, दो तीन दिन बाद देखेंगे, चल पहले मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनका भी मन था और हमको भी करना था तो करेंगे, और ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जितना भी रिलेटिव जो जो लोगों को जो जो लोगों को बुलाना है, मम्मी का मन में जिन लोगों को भी बुलाना है सारे लोगों को बुलाएंगे और मम्मी का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, करेंगे? हमारे घर पे ही करेंगे, हमारे घर पे, यहाँ पे ये घर पे होगा सेलिब्रेशन, इनके पापा के घर पे नहीं हो रहा है, ये हमारे घर पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सोचा हम लोग यही करेंगे, यही करेंगे। और मम्मी को बोला है तुझे जिस जिस को भी बुलाना है बुलाओ, अच्छा से सेलिब्रेट करेंगे, कभी नहीं किया है तो, पहले भी नहीं करते थे ऐसे, पहले उस जमाने में बर्थडे वगैरह कौन सेलिब्रेट करने, तो कभी किया नहीं, ये फर्स्ट टाइम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करे। जैसे ही डॉक्यूमेंट मिला मैं उनको बोला मम्मी करेंगे करके, पूरा खुश हो गए, इतना खुश हो गए, और गली बैठ के हम सारे जो रिलेटिव थे सारे कॉल कर दिए, और आज से हम लोग शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
उनके लिए कुछ लेना है, सरिता ने बोला कि लेना है करके, बोला लो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। गिफ्ट लेने जा रहे हैं अभी हम लोग, मम्मी के लिए गिफ्ट लेंगे, सारे सामान शॉपिंग करना है उसके लिए। जो ये देख रहे हो ना, ये साड़ी लिया है, इसको अल्टर करने के लिए देना है, ब्लाउज स्टिचिंग के लिए, ब्लाउज स्टिचिंग और अर्जेंट बेसिस पे ये सारे करेंगे। तो अभी टेंशन को साइड में रखो, पहले मम्मी के बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे काम का, बाद में देखेंगे। अब भी बने रहो थोड़ा हमारे साथ भी, अब भी खुश हो जाओ, आप लोगों को भी थोड़ा सैड न्यूज दे रहता है, अभी खुशी का न्यूज है, बने रहो। चलो मजा करेंगे, दो तीन दिन तो अभी पार्टी ब्लास्ट होने वाला है। चलो हम लोग पेंजिम पहुंच गए, पेंजिम में पहुंचे ना, ये जो एरिया है ये मार्केट एरिया है, ये साइड में देखो, ये साइड में डॉन बॉस्को स्कूल का वॉल को कितना अच्छा पेंट किया है ना, मस्त दिख रहा है। अभी ना यहाँ पे आया है, क्यों आया है सरिता बताएगी आपको, यहाँ से जाएंगे आज लोग स्पेशल आए हैं मम्मी को एक गिफ्ट लेने। मम्मी का ना बहुत पैसा मतलब विश था, मतलब उसको कुछ तो एक गोल चाहिए था, वो मैं स्पेशल उसके बर्थडे के दिन ही दूंगी उसको। एक्चुअली उसको मैंने पहले एक मार किया था, उसको मार भी चाहिए था, वो तो मैंने पहले ऐसे ही दिया था शादी के पहले, शादी के पहले उसको मार किया था गिफ्ट सरिता ने, और एक चीज चाहिए था, वो बोल रही थी मुझे चाहिए करके, तो अभी अच्छा मौका है, सरिता ने बोला इस मौके में देंगे करके, बोला ठीक है तुझे मन हुआ है तो दे दो करके। हम लोग ना इधर आए हैं, ये गोल्ड शॉप में आए हैं, अंबिका ज्वेलरी करके यहाँ पे है, और इसके बगल में है सरिता का फेवरेट नेचुरल, दो ज्वेलरी शॉप है, कौन से इसमें जाएंगे बोल, अंबिका इसमें TNS में जाएंगे या अंबिका में, अंबिका में जाए तो सरिता बोली अंबिका में जाएंगे, तो जाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। गोल्ड कुछ लूंगी मैं बाद में, रिवील करूँगी बाद में, दिखाऊंगी सरप्राइज नहीं, पहले लेते हैं ना, देखते हैं कौन से क्या ले रहे हैं। गोल्ड तो लेना है श्योर, उनका भी मन था और सरिता ने बोला लेना है तो अच्छा ही लेना है, तो लो करके हम लोग आए हैं अंबिका ज्वेलरी में। यस गाइस, फाइनली हम लोगों ने ले लिया है ये, इसके अंदर जो है ना ये आपको उसी दिन दिखेगा जिस दिन बर्थडे है, सरिता गिफ्ट करेगी उसी दिन दिखाएगी। फाइनल बिलिंग हो रहा है, अभी हो गया है, अभी ना आप लोगों को नहीं दिखा रहे, बाद में बर्थडे के दिन दिखाएंगे। यहाँ पे लिया हम लोगों ने अंबिका ज्वेलरी, फर्स्ट ही शॉप पे आए भाई। हाँ, और दो जो शॉप आपको दिखाया था उसमें से अंबिका में आए, वहाँ से लिया है। यस गाइस, फाइनली हो गया है, अभी कहाँ से हम लोगों ने लिया है, अंबिका से फाइनली, जो लेना था ना ले लिया है, जो लिया है आपको बर्थडे के दिन दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक के पास, यहाँ से निकलेंगे पेंजिम मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें लेना है, वो सारे लेंगे। ऐसे मौसम देखेगा तो मज़ा आएगा, है ना, ऐसे मौसम होना चाहिए, बारिश आएगा तो फिर किरकिरा हो जाएगा सारे, बहुत सारे सामान लेना है ना, इसलिए। ये है अपना डॉन बॉस्को का सर्कल, डॉन बॉस्को स्कूल, यहाँ पे एग्जीबिशन होता रहता है, अभी मेरे ख्याल से नहीं होगा बारिश के बाद, है ना। चलो चलो, तो यहाँ से निकलते, हो गया फर्स्ट मेन काम हमारा हो गया है, ये सारी चीज़ें करने के लिए ना खुशी खुशी आ रहे, स्माइल देख रहे हो, इन दिनों चल रहा था सेट सेट, पूरा मूडअप मूडअप चल रहा था माइंड पर, अभी थोड़ा स्माइल आ रहा है चेहरे पे। चलो तो ऐसे ही स्माइल के साथ ख़त्म करेंगे काम को, है ना। चलो चलो, अभी ना हम लोग आए हैं ओल्ड मार्केट में, यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट लेना है, जिन लोगों को बुलाया है उन लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट भी लेना है। ये देखो सरिता का रिटर्न गिफ्ट, दिखा दिखा क्या लाया है, पूरा बैग भर के एक रिटर्न गिफ्ट लिया है, बहुत सारा है, ये गेम के लिए भी गिफ्ट है और रिटर्न गिफ्ट भी है। ये हो गया है, यहाँ पे मम्मी के लिए बैंगल्स कुछ लेना है, ये देखो पूरे कितना बड़ा बैग पैक करके आई, ये देखो ये बैग भी लेना पड़ा हमको ये गिफ्ट के लिए। यस गाइस, तो अभी हम लोग ना पेंजिम न्यू मार्केट में आए हैं, ये पीछे देखो ये सराउंडिंग, इसका डिटेल वीडियो बनाया आप लोगों ने देखा है नहीं तो चेक कर लो, खरीदे का ये लुक देखो, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये ऐसे नहीं लग रही है कि सेल्स गर्ल है करके, इसका कपड़ा भी देखो और बैग भी देखो, ऐसे सेल्स गर्ल वो सीनित दिस्ता दो उसको, मैं आज सेल्स गर्ल बनाया है, वो आते हैं ना घर पे कुछ लेके, बंद जाए पुण आता तो कैसे दिस्ता लो, लोग कोई जाले तो कैसे दिस्ता लो, ए आई सेल्स गर्ल आ गई, जबकि लोग झगड़ रहे बैग पकड़ने के लिए। तीन बैग फुल है, एक सरिता के हाथ में है, एक मेरे हाथ में है और मेरे पीछे एक है। तो फाइनली हमारे जो सामान लेना था हो गया, अभी निकलते हैं घर के लिए। हम जब तक शॉपिंग कर रहे थे ना बारिश आके गया, बारिश गिरा देखो पूरा, हाँ पूरा गीला गीला है। पेंजिम का मेन मेन काम हमारा हो गया, कल ना हमको और भी बहुत सारी चीज़ें लेना है, वो हम कल करेंगे, घर का भी काम है, घर का भी सारे क्लीनिंग वगैरह करना है ना, तो ये सारी चीज़ें चल रहा है, बहुत गड़बड़ी में चल रहा है, और डेट जो है बहुत नज़दीक है जिसकी वजह से, और पूरा काम करने के लिए हम ही है। अरे देवा, उसमें और टाइम जाएगा, तो देखेंगे शंकर को थोड़ा काम पे लगाएंगे, शंकर और हम तीनों मिलके करेंगे वो सब पैकिंग, कल दीदी आएगी, दीदी को भी थोड़ा काम पे लगाएंगे।
सबको काम पे लगाने वाला हूँ, जितना भी इसके कजन से दीदी है सारे लोगों को काम पे लगाने वाला हूँ। घूम घूम के ना बहुत ज़्यादा भूख लगा है अभी, पता नहीं टाइम क्या हुआ, तो बहुत टाइम देखता हूँ और उसके बाद अभी जाते हैं घर पे, घर पे डायरेक्ट मिलते हैं। रुक जाओ, क्या हो रहा है पता है, बारिश और हमारे बीच में कंपटीशन हो रहा है। अभी ना हैवी रेनफॉल होके गया, इतना जोर से बारिश गिर रहा था बाहर नहीं निकल सकते, इतना बारिश गिर रहा था। जस्ट थोड़ा कम हुआ है, हम लोग निकल गए, अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, फिर से बैग उठाया निकल गए। बारिश हमको रुकाने के लिए ट्राई करें, हम लोग रुकेंगे नहीं, नहीं रुकेंगे, हम कोशिश करेंगे। हाँ, तो वो शॉप भी बंद हो जाएगा, 7 बजे शॉप बंद होगा। बारिश के चक्कर में हम लोग निकलते निकलते 5:30 हो गया है, हम लोग ना फिर से पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे बोल, बागेदार में पहुँचे, फेवरेट शॉप यहाँ पे ना, इधर आए पोरवरम के बागेदार में, क्योंकि सामान बहुत लेना है। मैं आज क्या किया पता है, ये देखो वाटरफॉल में नहा रही है, गोवा में ऐसे छोटा छोटा वाटरफॉल दिखेगा आपको। सरिता को ना मैं अंदर जाने से पहले उसको एक बजट एलोकेट किया है, 3,000 के अंदर जो भी लेना है लो, उससे 1 रुपये आगे जाएगा ना तो तुझे भेज पे करना पड़ेगा, मैं तेरा कार्ड भी अगर कुछ नहीं दूंगा, तो क्या कर रहा है बाद में देख। ये ट्रॉली लिया ना मैं, इसको बोला छोटा है ये ले लो करके, ये मुझे क्या बोले बताए, ये छोटा है करके, वही छोटा है ना, ना आओ चलो, आओ चलो, तो ये दोस्ता कुछ जाए तो जोड़ कर समझ में पाते ना, जाए इतने तो फिर जाए तो गया, अनवॉन्टेड उकलना का पहले सांगता तुका वार्निंग। अभी 2 दिन पहले हम लोग यहाँ पे ना पूरा सामान लेके गए, ये उठाएगी इधर, अरे ना 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 जाए इतने भी ऊपर चाह जाए तो सामान गए, शॉपिंग कर लेते जल्दी जल्दी और उसके बाद मिलते बताते क्या क्या लिए, बाद में बताएंगे। रुक जाओ, सरिता बोलिए ना सुबह से ऐसे ही, हम सभी लोग सुबह से ऐसे ही, मैं भी यही कपड़े मैं हूँ पूरा, घर पे आ रहे खाना खा रहे फिर से निकल रहे ऐसे ही, थोड़ा सोया था दोपहर को फिर से उठा ऐसे ही निकला, टाइम ही नहीं है, बारिश हो रहा है और उसके बीच में हमारा काम चल रहा है। अभी फाइनली सारी चीज़ें सामान लेके आ गए, जो मेन मेन चाहिए था वो सारा तो आ गया है घर पे, जो लास्ट डे को चाहिए वो खाना बनाने के लिए वो बाद में लाना पड़ेगा, वो तो फ्रेश ही लाना पड़ेगा। कल भी जाना है थोड़ा, कल थोड़ा बहुत काम है, जो मेजर है वो सारे हम लोगों ने ले लिया है, और शंकर आज आई के साथ बैठ के वो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, आई को हेल्प कर रहा था, आज एडिटिंग नहीं था तो आई को हेल्प कर रहा, तो लोग घर का थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे। हम लोग बाहर पूरा दिन बारिश, और हम लोग पूरा दिन घूम रहे थे बारिश में पूरा, और ये बारिश कंपटीशन लगा रहा था हमारे साथ। फाइनली अभी ना हम लोग चाय पी रहे, और आई क्या किया दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये विकना बागादार से लाया था, ये कच्चा मूँगफली है, उसको बॉयल किया है, बॉयल करके ना अच्छा लगता है, एक तो फ्राई होता है एक बॉयल खा के देखा तू कैसा लग रहा है, फ्राई खाया था अच्छा है। तो अभी हम लोग आराम से थोड़ा चाय पियेंगे, रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत काम है वो करेंगे, और उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे ना। आज का दिन पूरा टायर्ड ही था, टायर्ड मतलब देखो इतना तो टायर्ड नहीं था, पर बारिश के वजह से थोड़ा बोरिंग और बेजार आ रहा था, पर दिन पूरा बिजी और टायर्ड ही था, अच्छा था, मज़ा आया। पर ये टेंशन के बीच ऐसे खुशखबरी ना थोड़ा माइंड को रिफ्रेश किया है ना शंकर को इतना आइडिया नहीं हाँ बोल रहा है वो। सो ये वीडियो में इतना ही, ब्लॉग कहीं पे ख़त्म करेंगे, कल न्यू ब्लॉग में मिलेंगे बहुत सारे काम के साथ, आप भी हेल्प करो बहुत सारा काम है हमको, तो बहुत सारा काम है हमको करना है। तो अभी फिलहाल हम लोग चाय पीते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट डाउन करो, और उसके बाद बर्थडे में जो सरिता ने गिफ्ट लाया है वो बर्थडे के दिन रिवील करेंगे क्या लाया है, और ब्लास्ट करने वाले हैं आई के बर्थडे, बने रहो आप भी साथ में। और बर्थडे के दिन आपको सारे लोगों को आई को बर्थडे विश करना है, अभी नहीं बताएंगे आपको बर्थडे के दिन। ये ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।